It is one of the most important question of probability distribution. A die is loaded in such a way that probability of getting an odd number is twice the probability of even number. If die is tossed twice, find the probability distribution of perfect squares. पहली बात तो जो die है वो fair नहीं है, उसके अंदर जो odd number आने की probability है, it is twice the even number. तो हमने find करना, if we toss the die twice, the probability distribution of perfect squares. तो let P be the probability of getting even number. Therefore, 2P be the probability of getting odd number. क्योंकि condition दे रखी है हमें, the probability of getting an odd number is twice the even number. Now we know that probability of x equals to 1, x equals to 2, x equals to 3, x equals to 4, plus x equals to 5, plus x equals to 6 equals to 1. अभी बताया आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की जितने भी हमारे पास ऑप्शन आते हैं उन सबका सम कितना होना चाहिए, 1. सम ऑफ प्रॉबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो नो, प्रॉबेबिलिटी ऑफ 1 मीन्स प्रॉबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर. तो ऑड नंबर की प्रॉबेबिलिटी है हमारे पास 2p. इट इम्प्लाइज 2p plus p plus 2p plus p plus 2p plus p equals to 1. समझ आ गया? 1 odd number है, odd number की probability 2p. 2 is even number, so its probability is p. Again 3 is odd number, probability 2p. 4 even number, probability p. 5 odd number, probability 2p. And 6 even number, probability p. It implies 9p equals to 1. It implies p equals to 1 by 9. Means probability of even number. Even number ki humne probability li rakhi thi p. And probability of odd number. Twice of means 2p. So it is 2 by 9. Humne find karni hai probability distribution of perfect squares. ध्यान से समझना. नाउ वी नो दैट देयर आर टू परफेक्ट स्क्वायर्स ऑन ए डाई. कौन कौन सा होता है? 1 and 4. दो ही परफेक्ट स्क्वायर है, 1 से लेके 6 तक, 1 and 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4. नाउ 1 इज ऑड नंबर और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी आई है हमारे पास 2 by 9. एंड 4 इज इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 by 9. सो इट इज 3 by 9 इक्वल्स टू 1 by 3. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, 1 में से माइनस करके करेंगे, 1 minus 1 by 3 इक्वल्स टू 2 by 3. तो अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी भी आ गई और नॉन परफेक्ट स्क्वायर की भी. तो लेट कैपिटल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स. देयरफोर x can take values. अब हमने वी आर टॉसिंग द डाई ट्वाइस, तो मैक्सिमम दो ही हो सकते हैं. तो x can take value 0, 1 और 2. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो परफेक्ट स्क्वायर.
अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, इट मीन्स दोनों बार जो आ रहा है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, दैट्स प्रोबेबिलिटी इज 2/3, सेकेंड टाइम भी 2/3, सो वी हैव 4/9. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर की हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 1/3. दूसरा आ रहा है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो इंटरचेंज भी हो सकता है कि पहले नॉन परफेक्ट आए और फिर परफेक्ट स्क्वायर आए, सो इट इज 4/9. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. तो परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉबिलिटी है 1/3 × 1/3 = 1/9. देयरफोर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is x and probability of x 0, 1 and 2. तो 0 पे हमारे पास प्रॉबेबिलिटी थी 4/9, 1 पे भी 4/9 और 2 पे 1/9. तो आप ऐड करके देखेंगे 4 + 4 + 1, इट इज 1. नेक्स्ट हम देखेंगे फाइंड द मीन एंड मीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस. पेयर ऑफ डाइस को हम 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं और हमने फाइंड करना है प्रॉबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डबलेट. डबलेट मीन्स सेम नंबर. तो डबलेट हमारे पास 6 ही होते हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 and 6, 6. तो लेट पी बी द probability of getting doublet. Therefore, P equals to 6/, क्योंकि हम pair of dice को कर रहे हैं throw, तो 6/36, that is 1/6, and probability of non-doublets 1 - 1/6 = 5/6. अब डाई को हम थ्रो कर रहे हैं 3 टाइम्स, तो फर्स्ट टाइम हो सकता है कोई भी डबलेट नहीं आए, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकते हैं. तो लेट कैपिटल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ डबलेट्स. X can take values 0, 1, 2 or 3. Now probability of X equals to 0 means getting no doublet. Probability of getting no doublet. So, अब हमारे पास कोई भी डबलेट नहीं आ रहा, इट मीन्स तीनों बार में से किसी बार में भी डबलेट नहीं आ रहा, इट मीन्स तीनों बार हमारे पास क्या आ रहा है, नॉन डबलेट. तो नॉन डबलेट की हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 5/6, सो इट इज 5/6 × 5/6 × 5/6 = 125/216. Probability of X equals to 1 means probability of getting 1 doublet. अब वो डबलेट फर्स्ट टाइम भी आ सकता है, सेकंड टाइम भी आ सकता है और थर्ड टाइम भी आ सकता है. तो इट मीन्स हमारे पास केस इंटरचेंज होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट टाइम आ गया तो सेकंड टाइम नॉन डबलेट आ रहा है, थर्ड टाइम भी नॉन डबलेट आ रहा है, प्लस फर्स्ट टाइम नॉन डबलेट आया, सेकंड टाइम डबलेट आया और थर्ड टाइम फिर नॉन डबलेट आया, और फर्स्ट टाइम नॉन डबलेट, सेकंड टाइम भी नॉन डबलेट और थर्ड टाइम. तो
केस इंटरचेंज होंगे, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कितने केस लेने हैं। बेटर है हम कम्बिनेशन अप्लाई करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था। अब हमारे पास टोटल थ्री है, थ्री में से एक डबलेट आ रहा है, तो थ्री सी वन इन टू डबलेट की प्रॉबेबिलिटी है 1/6, एक ही बार आ रहा है और दो बार आ रहा है नॉन डबलेट, तो 5/6 का स्क्वेयर। नो थ्री सी वन एज थ्री, स्क्वेयर ऑफ 5 इज 25 अपॉन 216, सो वी हैव 75/216। नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू डबलेट्स। अब थ्री में से टू डबलेट आ रहे हैं तो इट इज थ्री सी टू, डबलेट की प्रोबेबिलिटी है 1/6, दो बार आ रहा है तो स्क्वायर और एक बार आ रहा है नॉन डबलेट। थ्री सी टू एज थ्री इंटू 5/216, सो वी हैव 15/216। नेक्स्ट वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू थ्री मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री डबलेट, तीन ही बार ही हमारे पास डबलेट आ रहा है, सो इट इज 1/6 × 1/6 × 1/6 × 1/6 × 216। अब इस क्वेश्चन में हमने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फाइंड करना था, हमें पूछा हुआ था मीन एंड वेरियंस, तो हम टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कॉलम लेंगे xi pi देन pi xi एंड pi xi स्क्वायर। xi की वैल्यू है 0, 1, 2 और 3 और pi हमारे पास आया है फर्स्ट 0 पे था 125/216, एट 1 इट इज 75/216, एट 2 इट इज 15/216 एंड एट 3 इट इज 1/216। 0, 75/216, 30/216 एंड 3/216। सेम 0, 75/216, नो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, सो इट इज 60/216, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, सो इट इज 9/216। ऐड कर लेंगे 75 + 30 = 105 + 3 = 108/216, सो इट इज 1/2। सिमिलरली 75 + 60 = 135 + 9 = 144/216। सो वी हैव मीन इक्वल्स टू सिग्मा pi xi, इट इज 1/2 and variance is sigma pi xi square minus sigma pi xi whole square। तो sigma pi xi square की value आई थी हमारे पास 144/216। simplify कर लेते हैं इसे भी 12 से कर लें और इट इज 2/3। सो वी हैव 2/3 माइनस 1/2 होल स्क्वायर, 2/3 माइनस 1/4, एलसीएम इज 12, 8 - 3 इट इज 5/12। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, सो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, सो 5/12 होल रूट, रूट 5/2 रूट 3 और रूट 15/6। तो ऐसे आपने फाइंड करना है वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन।